बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं बैठा हूँ देसी किचन के साथ। आज मैं कस्टर्ड बनाने वाली हूँ, बनाना कस्टर्ड। ये मैंने दूध ले लिया 1.5 किलो, और ये जेली है, बनाना जेली, स्ट्रॉबेरी जेली और मैंगो जेली। ये भी जेली है, मैंगो जेली, और ये जेली, और ये चीनी, केले हैं साथ में, और ये कस्टर्ड है, और ये सब मिली जुली जेली है। बिकॉज अब मैं इस कस्टर्ड में भी थोड़ा सा दूध डालने लगी हूँ, और अब मैं कस्टर्ड बनाने वाली हूँ। इसे मैं अब बना के इंशाल्लाह फिर बनाना कस्टर्ड बना के आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया। अब इस कस्टर्ड को मैं अच्छी तरह बना के फिर दूध में ऐड करती हूँ। ये जेली जम चुकी है, कस्टर्ड भी तैयार हो चुका है। अब इसे मैं एक प्याले में निकालने वाली हूँ। मैंने लगा दिए इस पर, ये कस्टर्ड मैंने ऐड कर दिया। फिर उसे मैं बता नहीं सकी कि मैंने 6-7 लाचियाँ बीच में डाली थी। कस्टर्ड मैंने निकाल लिया है, इसमें मैंने केक भी डाला है। अब ये जेली मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये डेकोरेशन के तौर पे। माशाल्लाह से जेली बहुत अच्छी जमी है। ये एबटाबाद में फ्रीज़र में ना भी रखें तब भी जम जाती है। अब ये ग्रीन जेली डालती हूँ। जो सब मैंगो जेली डाल रही हूँ। ये देखें, जेली ने तो अपनी एक बाहर बना दी है, जैसे किसी बगीचे में अच्छे से फूल खिल जाते हैं। जैसे देखें, बनाना जेली कस्टर्ड तैयार हो चुका है। कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो इसी तरह आपको मिलेगी। टाइम पे आप जहाँ भी हैं, खुश रहें, खुशहाल रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।